हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जी हाँ, नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सबका टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो मैडम और जनाब स्पॉट हुए हैं मूवी स्क्रीनिंग में। जी नहीं, ये कोई जनाब की मूवी स्क्रीनिंग नहीं है। वैसे तो डरा मैडम ने शो के दौरान बहुत बार ये बोलने की कोशिश करी थी कि जनाब को मूवी मिलेगी, मूवी मिलेगी, मूवी मिलेगी और कुछ इस तरीके की हाइप और इस तरीके के प्रोमिसेज हुए हैं सेट में। बट अभी तक उन पर एज सच कोई भी खबर नहीं आई है, कोई भी पुख्ता खबर नहीं आई है कि वाकई में जनाब की झोली में शो खत्म होने के बाद कोई प्रोजेक्ट आया भी है या नहीं। इनफैक्ट आप सबको पता ही है कि शो खत्म होने के बाद जनाब और मैडम के मुंह जरूर फूले हुए थे। तो दैट मीन्स कि उनकी मर्जी का ना शो के अंदर बहुत कुछ लास्ट तक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग डिसअपॉइंट थे। तो मैडम और जनाब स्पॉट हुए हैं सरगुन की मूवी की स्क्रीनिंग में। बहुत ही जल्दी सरगुन की एक न्यू पंजाबी मूवी रिलीज होने वाली है। अब आप लोगों को भी हैरानी हो रही होगी इस बात की कि मैडम और जनाब स्क्रीनिंग में कैसे चले गए, और सबसे बड़ी बात कि मैडम और जनाब को स्क्रीनिंग में बुला किसने लिया। तो जी हाँ, सरगुन ने मैडम और जनाब को बुलाया है। अब बुला कैसे लिया, इस चीज़ का भी मैं आपको बताती हूँ। आप सबने देखा ही कि जनाब भी एक रियलिटी शो का हिस्सा थे और जब वो उसका हिस्सा थे तो वोट अपील के लिए जनाब और मैडम ने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करी थी या बहुत लोगों के साथ कोलैब किया था, और हो सकता है कि उन कोलैब के बदले में उन्होंने भी बहुत सारे प्रोमिसज किए होंगे, यू नो, वर्क कमिटमेंट्स, तुम मेरे लिए इतना करो, मैं तुम्हारे लिए इतना करूँगी। तो वो लेन देन ऐसा लगता है कि कुछ सेटलमेंट वहाँ पर हुआ था, जिस वजह से स्क्रीनिंग पे जाना मैडम और जनाब की भी मजबूरी बन गई थी। तो मैडम और जनाब इसलिए स्क्रीनिंग में वहां पे पहुंचे, लेकिन बिल्कुल गेस्ट अपीयरेंस की तरह। कब आए, कब वहां से चले गए ना, ये पूरा आपको इंटरव्यूज में देखने को मिल जाएगा। यानी कि जिन मीडिया चैनल्स वालों ने ये क्लिप चलाई है, आपको उसमें वो आते हुए भी दिख जाएंगे, आपको उसमें वो जाते हुए भी दिख जाएंगे। और इतनी तेजी से वो लोग आए थे और वो एरोगेंट, वो एटीट्यूड, यू नो, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी वाला एटीट्यूड वो वापस से आ चुका है। बीच में जब जनाब का रियलिटी शो चल रहा था तो हर चीज़ ऐसे ऐसे करके मांगी जा रही थी, मीडिया पीपल के साथ इतना पोलाइट बिहेव, उनको इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी वैल्यू दी जा रही थी, और अब जब काम निकल गया है तो मैडम और जनाब का एटीट्यूड देखना आप कहाँ सातवें आसमान पे पहुंचा हुआ है। अब अगर जहाँ पे इतनी सब बातें कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी उनकी ड्रेस पे भी नज़र मार लेते हैं। तो मैडम ने ब्लू कलर का एक ड्रेस पहना हुआ था जो समझ में नहीं आ रहा था कि दुपट्टा कहाँ है, कुर्ता कहाँ है और मैडम का पैजामा कहाँ है, क्योंकि वो सारा का सारा एक तो ब्लू है, पानी जैसा ब्लू, प्लस ना उसकी अगेन कोई फिटिंग, ना वो दिखाया जा रहा है कि एक्चुअल में वो कपड़े हैं क्या। दुपट्टे से पूरा का पूरा सूट का डिज़ाइन रैप अप किया हुआ है, दुपट्टे से पूरा कुर्ता रैप अप किया हुआ है, दुपट्टे से पूरा नीचे आई थिंक उन्होंने शरारा पहना है या कुछ ऐसा पहना है, वो पूरा प्लाजो रैप अप किया हुआ है। तो वो ड्रेस पता ही नहीं चल रही है कि एक्चुअल में वो ड्रेस है क्या। हाँ, पर ड्रेस का कलर अच्छे से पता चल रहा है कि यस, वो ब्लू कलर का है। अच्छा मैडम के ना ये झोले वाले कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और जब ये वीडियो लोगों ने देखी है, जब ये क्लिप्स लोगों के सामने आई हैं, तो फिर से एक बार इस बात की हाइप उठने लगी है कि ऐसा तो नहीं कि मैडम वाकई में प्रेग्नेंट है, क्योंकि मैडम बहुत टाइम से नहीं लेकिन पिछले एक आध महीने से ना झोले झोले कपड़ों में नज़र आ रही है, बार बार अपने टमी को हाइड करती हुई नज़र आ रही है। और कल के क्लिप में भी आप ये चीज़ ज़रूर देखना कि क्योंकि मैडम की फुल लेंथ जाती है वीडियो, यू नो, जब मीडिया वाले बंदे लेते हैं तो वो फुल लेंथ लेते हैं, लेकिन जब मैडम और जनाब अपना व्लॉग शूट कर रहे होते हैं तो वो अपने हिसाब से व्लॉग लेते हैं, पीछे से लेते हैं, आगे से लेते हैं, दूर से लेते हैं, फोकस नहीं करते। लेकिन मीडिया वालों को आप ये सब इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, तो बार बार मैडम दुपट्टे से अपने पेट की तरफ बार बार उस दुपट्टे को रैप अप कर रही थी। पता नहीं किस बात का इंडिकेशन देना चाह रही थी, मैडम को बहुत अच्छा लगता है अपने आप को प्रेगनेंसी वाली न्यूज में देखना, उन्हें शायद बहुत मजा आता है, इसलिए वो बार बार इस तरीके के ही कपड़े पहन के आती हैं और इस तरीके से ही अपने दुपट्टे को बार बार टमी ढकती रहती है, जैसे एक प्रेगनेंट लेडी ढकती है ना अपना पेट बार बार, वो उसी तरीके से वहां पर भी करती हुई नजर आ रही थी। वेल, बहुत थोड़े से टाइम के लिए वहां पर आई और बहुत थोड़े से टाइम के लिए वहां से वापस भी चली गई, पर यह तो बोलना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट टाइम मैडम बेबी को साथ में लेके नहीं आई, वरना अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कहीं पे भी मीडिया इंटरेक्शन है या कहीं पे भी मीडिया के कैमरे हैं और वहां पे मैडम की गोद में बेबी ना हो। बहुत से सब्सक्राइबर्स ये बोल रहे थे कि है इस बार मैडम पहली बार बेबी को घर छोड़ के आई हैं, पहली बार मम्मी को देख के आई होंगी, पर मेरी एनालिसिस ये कहती है कि मैडम घर नहीं छोड़ के आई होंगी, मैडम बेबी को उसकी नानी के साथ कार के अंदर बिठा के आई होंगी, क्योंकि मैडम इतना भरोसा भी किसी पे नहीं करती कि अपने बेबी को घर पे किसी के भरोसे छोड़ दे। वो डेफिनेटली साथ
साथ में लाई होंगी और कार के अंदर उनको बिठाया होगा आराम से कि बस हम यूं गए और यूं आए क्योंकि हमें फॉर्मेलिटी करनी है, इन्होंने हमारे लिए वोट अपील की थी, अब हमारी बारी है कि इनकी स्क्रीनिंग हमें अटेंड करनी है। तो ये हुआ स्क्रीनिंग का पूरा माहौल। उसके बाद में अगर बात करें कल के व्लॉग की, तो कल के व्लॉग पर आपको दिखा कि किस तरीके से रमज़ान का व्लॉग इन लोगों ने पूरा शूट किया, जहाँ पर इन्होंने रू बेबी को भी दिखाया क्योंकि उसका पहला रमज़ान था, पहला रोज़ा, वहाँ पर इफ्तारी हुई, वहाँ पर सारा परिवार साथ में बैठा। और हमेशा की तरह मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वैसे तो मैडम ने कभी भी इस फैमिली में आने के बाद पता नहीं रोज़े रखे हैं नहीं, पर जब से हमने इनके व्लॉग फॉलो करने शुरू करे हमने कभी इन्हें रखते हुए नहीं देखा। बट हाँ, कभी किसी दौर पे इन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैंने 27-28 रोज़े रखे थे, पता नहीं कब रखे थे, शायद तब रखे होंगे जब व्लॉगिंग नहीं करते होंगे, क्योंकि जब से व्लॉग हुए हैं तब से हमें ये पता है कि रोज़े रखने तो बहुत दूर की बात है। आई थिंक इनको कोई एक पर्टिकुलर दुआ भी पढ़नी नहीं आती होंगी, जहाँ पर परिवार के सारे लोग बैठ के जब दुआ पढ़ते हैं तो मैडम सिर्फ लोगों के मुँह देखती हैं या लोगों को करता हुआ देखती हैं, क्योंकि उनको ज़ुबानी याद तक नहीं है एक भी दुआ। हिंदू धर्म तो चलो अब हम उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करें कि अब क्योंकि शादी के बाद लड़की का रिलीजन चेंज होता है और इन्होंने तो अपना रिलीजन खुद चेंज किया है, तो हम उस जोन में जाके एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि वो तो ये पहले ही सब कुछ कर चुकी हैं आर पार। लेकिन अब जिस जगह पर आई हैं उस जगह को तो थोड़ा सा ठीक से फॉलो करने चाहिए थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टाइम इसीलिए क्योंकि इतने मेहनत के बाद, इतनी स्ट्रगल वाली जर्नी के बाद ऊपर वाले ने इनकी गोद भरी है, तो मुझे लगा कि इस बार उनके नाम पे ये ज़रूर रोज़े रखेंगी, ज़रूर फास्टिंग करेंगी, कि क्योंकि ऊपर वाले ने इन्हें इतना बढ़िया तोहफा इस बार दिया है। बट मुझे लगा नहीं कि इस बार भी इन्होंने रोज़े रखे हैं। आप लोग बताना अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इनके रोज़े हैं या नहीं है, क्योंकि मैंने जो व्लॉग देखा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि रोज़ा है इन्होंने रखा हुआ। वहीं पर बड़ी हैरानी की बात यह है कि पहला रोज़ा और मैडम जो अननेसेसरली तो इतनी सारी चीज़ें पकाती रहती हैं, बनाती रहती हैं, जनाब के लिए भिजवाती रहती थी सेट पर, और पहला रोज़ा, पहली इफ्तारी, उस समय मैडम सिर्फ वहाँ पे शरबत लेके पहुँच गई। तब मैडम के अंदर का कुक कहाँ चला गया था कि मैडम ने ये भी नहीं सोचा कि आज तो रोज़े का पहला दिन है, बच्चे का पहला रोज़ा है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता था कि मैडम को भी कुछ चीज़ें, कुछ पकवान बना के लेके जाने चाहिए थे अपने एंड पे, क्योंकि घर में सब लोगों ने नीचे बहुत कुछ बना के रखा था और मैडम को अपने एंड पे बना के ले जाना चाहिए था। क्योंकि जब जनाब की परफॉर्मेंस की बात होती थी, जनाब के शो की बात होती थी, तो आप देखते थे एक जन के लिए नहीं पता नहीं कितने जनों के लिए पैक हो के झोले भर भर के चीज़ें जाती थी, क्योंकि उस समय पे मतलब निकल रहा था, काम निकल रहा था, तो आपने वहाँ पे दिल खोल के सब कुछ किया। लेकिन जहाँ पे वाकई में ऊपर वाले के लिए कुछ करना था, अच्छी चीज़ के लिए कुछ करना था, अच्छे दिन कोई चीज़ करनी थी, उस दिन आपने अपने घर पे कोई चीज़ की कुकिंग ही नहीं की, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। क्योंकि मैंने ये सुना है कि जो पर्व त्यौहार होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, इतने ऑस्पिशियस मौके होते हैं, इस समय पे तो अपने घर का चूल्हा ज़रूर जलाना चाहिए, अपने घर पे अच्छी चीज़ें ज़रूर पकानी चाहिए, ऊपर वाले की बरकत इसमें और ज़्यादा होती है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ मैडम वहाँ पे लेके चली गई शरबत बना के, और बाकी नीचे सब लोगों ने बनाया था। और बड़ा अजीब सा लगा मुझे ये कि सिर्फ बेबी को उठाया, शरबत का जग उठाया और मैडम जो है वो नीचे चली गई। तो आज बहुत ज़्यादा रिएक्शन वीडियो नहीं दूंगी, आज सिर्फ छोटा सा ही रिएक्शन दूंगी, लेकिन कल का रिएक्शन बहुत अच्छा आने वाला है, तो आप लोग मिस आउट मत करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर वीडियो को करना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।